तो हमें मिल चुके हैं लव गुरु, तथा आपका नाम की खबर? गर्लफ्रेंड नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड बनवा दो। मिल जाएगा गर्लफ्रेंड मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारी एक नई सुबह हो चुकी गुवाहाटी है और हम लोग रुके हुए थे धर्मशाला, और अभी अभी जस्ट महाराज जी का आदेश हुआ कि समय हो गया, अब आप लोग जाओ यहाँ से। तो अब भाई क्या करें, आदेश हो चुका है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलिए भाई, हम लोगों ने अपने सारा सामान वामान सब कुछ कर लिए हैं पैक, ये देखिए सब कुछ रेडी हो चुका है। तो बस फिर अब यहाँ से भैया निकलना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। तो चलो हम बताते हैं आपको आज हम कहाँ जाते हैं घूमने। खैर, निकल आए हैं वहाँ आश्रम से और अब जा रहे हैं, अभी तो हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कोई पास में एक और आश्रम है, वहाँ चलते हैं, बात करते हैं, बैग वैग रखेंगे, फिर कहीं निकलेंगे घूमने। तो जैसा होता है हम आपको बताते हैं। तो भैया हमको मिल चुका है स्टे। ये देखिए, पहले तो आप कमरा देख लीजिए, बिल्कुल चौकाचक लग रहा है ना। हाँ, तो स्टे अब हम बताते हैं कैसे मिला है। एक अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि अरे आप लोग कहाँ से आए, क्या कर रहे थे। हमने उनको पूरी बात बताई, हम लोग भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। तो उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर के वो आचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई रुकने की व्यवस्था है नहीं, बगल में एक आश्रम था, उन्होंने हमको आश्रम दिला दिया। और भैया वो भी उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया इस आश्रम का। तो अब यह है कि उनका हम भाई बहुत बहुत आभारी रहेंगे, 2 दिन का स्टे दिया उन्होंने। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग निकलेंगे भाई फैंसी बाज़ार, क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है हमारा हेलमेट भी। तो चलो अब निकलते हैं बस कुछ ही देर में। आप देख रहे हैं इन भैया को, अच्छे से जान गए होंगे इनको। आज तीसरा वाला दिन मिल गया, तीसरी बार है। तब एक हैट्रिक होती है, भैया ने हैट्रिक मार लिया। और धन्यवाद भैया, आपने हमें यहाँ तक छोड़ा, मतलब क्या ही बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। और तीसरी बार मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच भैया। तो भैया हमने पहन लिया है अपना हेलमेट, अब देख रहे हैं ना कैसा लग रहा है। जैसा भी लगे भैया बता देना, हम हेलमेट पहन के आज लिफ्ट मांगेंगे, हमने सोचा एक बार आपको दिखा दें। तो चलिए ठीक है, चलते हैं भाई, लिफ्ट मांगते हैं, मांगना शुरू करते हैं, देखो कितना समय लगता है। तो भैया हमको लिफ्ट मिल चुकी है, लिफ्ट दी मेरे बड़े भाई ने। भैया आपका क्या नाम है? शंकर भाई साहब। अच्छा, और देखिए आज तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उस दिन पूरा दिन हो गया था भाई, लिफ्ट मिली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने हमें लिफ्ट दी। और मैं बता दूं आपको भाई, हमें पूरी पूरा फैंसी मार्केट तक छोड़ देंगे ना भैया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स अ लॉट। ओ और भाई, और भैया यहाँ पे वैसे क्या है घूमने वाला, थोड़ा सा बताएंगे? माता का मंदिर है, कामाख्या माता, वहाँ पे तो दादा गए हैं। हाँ, कला क्षेत्र है। अच्छा, कला क्षेत्र, कला क्षेत्र, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। अच्छा, उसके बाद आपका है साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम। हाँ, और ये म्यूजियम स्टेट म्यूजियम। अच्छा, और ये बालाजी मंदिर। अच्छा, वशिष्ठा मंदिर। हाँ, और ऐसा है और अच्छा, अच्छा, अच्छा है। जी जी जी। भैया फैंसी मार्केट उतर गए, थैंक यू, बाय बाय। देखा फाइनली हमें भैया आज हेलमेट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो भैया हमको मिल गई है फैंसी बाज़ार, काफ़ी ढूंढते ढूंढते मिली है बाज़ार। ये ढूंढते ढूंढते क्या कुछ और भी मार्केट होंगी यहाँ पे, तो हम उस जगह चले गए थे। फिलहाल हम दिखाते हैं अब आपको फैंसी मार्केट, ये देखिए भैया जी, ये तो पूरी कपड़े की मार्केट है, देख रहे हैं पूरा कपड़ा ही कपड़ा लगा हुआ है, बैग है, और शायद इस बहुत सस्ते अब दाम में मिलेगा आपको ये। ये देखो सारा तगड़ा तगड़ा आइटम मिल रहा भैया। ओ अरे, आप गलत ना समझे, आप बहुत गलत समझने लगे हमको, तगड़ा आइटम मतलब सामान मिल रहा है, थोड़ा समझ के, हम तो समझे ही हैं, आप गलत मतलब निकाल लेते हैं भैया। तो और तो हम दिखाते हैं आपको और मार्केट, दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया जो आपको दिखे अच्छा लगे बताइएगा हमें। ये तो भैया फैंसी मार्केट भाई, चौकस चौकस लग रही है, एक नंबर का आइटम मिल रहा है। ये देखिए आइटम, अरे सामान मतलब मिल रहा भैया, आप गलत मतलब ना निकाला करिए, हरदम बताई दे रहे हैं हम आपसे। ठीक है, कपड़े 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 ले लो, कपड़े
अरे आप तो यार हमको खुद ही कपड़े बेचने वाले समझ लिए क्या है? कपड़े बेचने वाले थोड़ी है ये। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चप्पल ले लीजिए, ये लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुर्ती ले लीजिए। देखो भैया सब लोग अपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लीजिए जो कुछ मानो। देखिए भैया जूते बिक रहे हैं, गर्लफ्रेंड लोग सुन लो अपने बॉयफ्रेंड को दे दो। अभी तो दे दिया करो कुछ अपने बॉयफ्रेंड को, उन्हीं के खर्चे पे जीती रहती हो तुम लोग हैं, तो दे दिया करो यार। तो हमें मिल चुके हैं लव गुरु दादा, आपका नाम की खबर? असे भले असे दादा, मतलब सब बढ़िया? सब बढ़िया। अरे वाह दादा, हमको बोला कल दुपट्टा ले लो, हम इनको बताइए कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। दादा कोई गर्लफ्रेंड बनवा दो। मिल जाएगा गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, आशीर्वाद दो। इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, सब बॉयफ्रेंड बनवा दो। देख लो बदतमीज कितना है, कितना सामने नहीं बोले आता। देख लो दादा कितना बदतमीज है लड़का, है ना? बच के रहना दादा, संभल के रहना, बचा के थोड़ा सा ये चीज। तो दादा ये दुपट्टा बढ़िया बिक रहे हैं, बिक रहे हैं ना? तो लड़को बताओ इनको, दादा बताओ कि अपने अपनी गर्लफ्रेंड को खरीद के दो सब लोग यहाँ से आके। सब लड़के अपने गर्लफ्रेंड के लिए ले जाओ। हाँ ले जाओ। ये दुपट्टा इस पे अच्छा लगेगा कि नहीं? चल इस पे अच्छा लगेगा दादा, इस पे। आपका नाम बताइए फिर से दादा, बताइए दादा। मेरा नाम विक्की। विक्की विक्की कौशल कौशल। अरे तो कैटरीना कहाँ गए दादा ये बताइए आप? कैटरीना कहाँ गई आपकी? मेरी कैटरीना घर पे है। भाग गई क्या? भाग नहीं, घर पे रख क्या है दादा, संभाल के रखेगा दादा। इस लड़की से ना ये बचा के रखिए ये चीज, समझ रहा है? ये बहुत मीठा इंसान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो भैया हमें फैंसी बाजार में एक ब्रदर मिल गया। ब्रदर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रफीक। रफीक, और भाई ये बताओ फैंसी बाजार के बारे में कुछ बताओ जरा हमको भाई। बहुत सारा सस्ता मार्केट है क्या? सस्ता मार्केट है। अच्छा एक सेकंड, कपड़ा सस्ता में मिल जाता है। अच्छा हर कपड़ा सस्ते में मिल जाएगा। हाँ। लूट पास तो नहीं है यहाँ पे ज्यादा? लूट पास भी है, थोड़ा थोड़ा बच के रहना है। अच्छा तो हम देख रहे हैं चेतावनी मिल गई है, चेतावनी मिल गई है भैया कि लूट पास बहुत है। और ये बता दादा ये फैंसी बाजार कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। लगभग कितने साल कोई आइडिया आपको? 100 साल, 200 साल, 500 साल? इतना ही पुराना है। अच्छा आपका है 60-70 साल? अच्छा काफी मतलब पुरानी है। बहुत पुरानी है। अरे वाह हम देख रहे हैं ये काफी अच्छी मार्केट है, लो बजट मार्केट है। हर इंसान खरीद सकता है ना कपड़ा। तो भैया हम बता दें आपको, भैया यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हम बताते हैं आपको, दिखाई दे थोड़ा सा बच्चे का माल 150, बच्चे का माल 150 ना? कितने का है? 150। देख लीजिए बच्चे का माल 150, बहुत सस्ता आइटम। तो भैया हम आ चुके हैं फैंसी मार्केट से बाहर, और शायद यहाँ पे पास में उमानंदा मंदिर भी है। तो अब हम जाएंगे भैया उमानंदा मंदिर। कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते भैया, आपको ना बोट का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमें वहाँ फ्री राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं। मिल जाए तो भाई बहुत बेटर है, वरना वे भैया देखते हैं कितने का टिकट है, क्योंकि भैया वहाँ पे वहाँ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब भाई दर्शन तो ज़रूर करेंगे हम, तो चलिए चलते हैं हम।